أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين لائق صد احترام قابل صد اكرام علي وقار مشاهدين ومشاهدات اور سامعين وسامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको हमेशा खुश रखे सेहत वाफियत से रखे अपनी दुआओं में रखे जैसा कि आप सभी जानते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी की किताब अल ईमान की ये सातवीं क्लास है या सातवां लेक्चर है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी में 97 किताबें हैं जिसमें किताबुल ईमान दूसरी किताब है और इस किताब में 97 किताबों में 3450 अबवाब हैं किताबुल ईमान जो दूसरी किताब है उसमें 42 अबवाब हैं और इमाम बुखारी ने 58 हदीसें इस किताबुल ईमान में जिक्र किए हैं और इमाम बुखारी की सही बुखारी में कुल जो हदीसें हैं 5374 हदीसें गैर मुकर्रर हैं बरकेफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारक है कि हर किताब के हर बाब में जो मसला भी वो साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मसले से मुताबिक कुरानी मजीद की एक आयत कभी दो आयतें कभी चंद आयतें वो उनका इंतखाब करते हैं फिर उस बात के तहत जितनी हदीसें वो ज़रूरी समझते हैं तो पेश फरमा देते हैं आज हम जो बाब पढ़ने जा रहे हैं किताबुल ईमान का सबसे अहम तरीन बाब इस बाब में इमाम बुखारी ने जो उनवान कायम किया है باب زيادة الإيمان ونقصان आपको याद होगा जब किताब ईमान का आगाज हुआ था तो ये बातें हमारे YouTube और Facebook पे जो पहली वीडियो अपलोड हुई है उसमें मौजूद है हमने आपको बताया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
सही बुखारी की किताब उल ईमान को लिखने के उनके पांच बुनियादी मकासिद थे, तो उसमें से एक बुनियादी मकसद ईमान ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, घटता भी है, बढ़ता भी है, उसमें इंफिताब भी होता है, तरक्की भी होती है, इजाफा भी होता है और उसमें कमी भी आती है। तो इस बात को साबित करने के लिए इमाम बुखारी ने और भी जो मकासिद थे उसमें से एक अहम बुनियादी मकसद, तो आज किताब उल ईमान के अहम मकसद जो अहम तरीन मकसद है कि ईमान में कमी बेशी होती है, ये मुमकिन है। तो इस ताल्लुक से हमने उस वक्त आपको बताया था, याद होगा, ईमान बढ़ता है तो घटता भी है। किन चीजों से बढ़ता है? नेकी के कामों से बढ़ता है, इताअत के अमल से बढ़ता है, और गुनाहों के कामों से, नाफरमानी के कामों से, शैतान की इताअत से आदमी का ईमान घटता भी है। ईमान कोई जामिद या साकिन चीज नहीं है कि भाई वो एक ही हालत पे बरकरार रहे, क्योंकि इंसान की खुद हालत या उसके अहवाल एक जैसे नहीं रहते। कभी उसका ईमान तरक्की करते करते इस दर्जे ऊंचा हो जाता है कि आदमी अपनी जान, अपना माल, अपनी आल औलाद, माल मनाल और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए, लुटा देने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी आदमी का ईमान इस कदर कमजोर हो जाता है, बुराई करते करते एक बुराई करता है तो दूसरी बुराई कहती है कि वो भी मुझे भी कर ले। तो बुराइयों का आदमी जब आदि हो जाता है तो बुराइयों पे बुराइयां करना आसान से आसानतर हो जाता है। तो बहरकैफ ईमान के अंदर ज्यादती को कबूल करने की इस्तेदाद भी मौजूद है, काबिलियत भी है और सलाहियत भी होती है। तो इसी तरह कमी और नक्स को कबूल करने की इस्तेदाद भी है, काबिलियत भी है और सलाहियत भी मौजूद है। तो ये उसूल अपनी जगह मुसलमा है, जो चीज घटती है तो वो बढ़ भी सकती है और जो चीज ज्यादा हो सकती है तो वो कम भी हो सकती है। और किताब सुन्नत के वाज़ेह दलाइल से बात साबित है और तस्लीम शुदा है कि ईमान तौल अमल का नाम। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ईमान का जब आगाज किया था तो उस वक्त शुरू ही में इमाम बुखारी ने कहा था, ईमान तौल व अमल यज़ीदु व यनक़ुस, ये बुनियादी मकसद है। तौल अमल का नाम है, अमल ईमान की सही तारीफ का तीसरा अहम तरीन रुकन है। ईमान की तारीफ के कितने रुकन हमने आपको बताए थे? तीन रुकन बताए थे। पहला रुकन इकरारे लिसानी, दूसरा रुकन तस्दीक कल्बी, तीसरा रुकन अमली सुबूत। बहरकैफ ईमान में हसब अमल कमी बेशी होती रहती है। जब इंसान नेक अमल बजा लाता है तो अल्लाह की तरफ से मजीद नेक अमल की उसे रग़बत होती है, ख्वाहिश दिल में पैदा होती है, शौक पैदा होता है, अपने अंदर ईमानी कुव्वत महसूस करता है। जब इंसान बुरे अमल का इंतखाब करता है तो मजीद बुरे काम उसके लिए आसान से आसानतर होते चले जाते हैं। आज के इस दर्स में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया और उसके लिए बहुत से आयतों का इंतखाब भी किया है और बहुत सारे अहादीस सही बुखारी की किताब उल ईमान की बहुत सारे अहादीस दलील के तौर पर पेश की जा सकती हैं। तो आज के बाद में इमाम बुखारी ने सिर्फ दो अहादीस और तीन आयतों का इंतखाब किया, क्योंकि किताब उल ईमान के आगाज में आठ आयतें इमाम बुखारी ने पेश की थी। लेकिन बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है हमको ये देख कर, बड़े बड़े दारुल उलूम के मशाइख, शेखुल हदीस जो सही बुखारी पढ़ाते हैं, सही मुस्लिम पढ़ाते हैं और सियासत का दौरा करवाते हैं, जिंदगी उनकी इसी में बीत गई, गुजर गई, लेकिन जब ईमान का मसला आता है तो उनके इल्म का कमाल यही नजर आता है कि उल्टी सीधी तावील करके वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि तमाम मुसलमानों का ईमान एक सा बराबर है, किसी का ईमान किसी से ज्यादा कम नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करते हैं?
क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने कह दिया कि ईमान में ज्यादती हो सकती है ना कमी वाक हो सकती है, ईमान बिल्कुल एक सा हालत में रहता है। अब अपने बुजुर्ग इमाम के कौल को रखने के लिए कुरान और हदीस की तावील कर देते हैं, उल्टी सीधी तावील करते हैं, जबकि इतने सरे साफ अल्फाज में कुरान मजीद के अंदर अल्फाज मौजूद है। एक नहीं दो नहीं, आप देखेंगे इस जो उसके सिलसिला हमारा चलेगा तो एक दस दो दस में खत्म नहीं होगा, कई दस इसमें चलेंगे अल्लाह के फजल उसकी तौफीक से। आज आप को जानकर ताज्जुब और हैरत नहीं होनी चाहिए, ईमान का मसला ये इंसान की जिंदगी का बुनियादी और असासी मसला है, मुसलमान की जिंदगी का बुनियादी और असासी मसला है, कोई दानवी या फरवी मसला नहीं है। इसमें आदमी का ईमान अगर खालिस होगा, उसका अकीदा सही होगा उस ईमान की बुनियाद पर, तो उसकी निजात और आदमी निजात का दारोमदार है, उसके आमाल के कबूल होने या न कबूल होने का सबब बन सकता है। इसलिए हमें और आपको ईमान की सही तारीफ क्या है, उस तारीफ के आकार क्या है, तो इन तमाम चीजों को जानना जरूरी है। एक हकीकत हमेशा अपने जहन में पत्थर में नक्श की तरह बिल्कुल साफ सबत रहे आपके जहनों में कि सब मुसलमान ईमान और इस्लाम में बराबर नहीं होते। अगर बात ऐसी होती तो हजरत अबू बकर सारी उम्मत में अफजल नहीं करार दिए जाते, तो हजरत अबू बकर को सारी उम्मत ने इस उम्मत के आखिरी नबी के अफजलियत के बाद कहा कि सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं। कहते हैं कि ईमान की वजह से वो सबसे अफजल नहीं थे, मतलब के अमाल की वजह से वो अफजल थे, तावील कर देते हैं। तो असल चीज तो ईमान ही है जो अमाल के अंजाम देने पर आदमी को आमदा करता है, उभारता है, रहमत पैदा करता है, शौक दिलाता है। तो सारे मुसलमान ईमान और इस्लाम में बराबर नहीं है, नहीं हो सकते। किसी का ईमान और किसी का इस्लाम ज्यादा होता है तो किसी का कम, ईमान और इस्लाम में कभी बेशी, वो कभी आदमी के दिल में जो शोरी और यकीनी कैफियत होती है उसकी वजह से भी आदमी का ईमान बढ़ता है, कभी आमाल की कमी बेशी की वजह से भी आदमी के ईमान में कमी और बेशी होती है। नेकियों पे नेकियां आप करते जाए आपका ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक नेकी का आपने कर ली क्योंकि दूसरी नेकी आपको दावत दे रही है, आपने उसको भी कर लिया। और एक बात याद रखें, कभी भी किसी भी नेकी को मामूली मत समझें और किसी भी नेकी को हकीर मत समझें। अरे यार ये तो छोड़ दो, एक मामूली काम, रास्ता चलते चलते आपने देखा एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है और इस नियत से के हो सकता है रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कोई राह चलते चलते किसी के पैर में हो चुक जाए, आपने उठा के अल्लाह की रजामंदी के लिए कचरे के डब्बे में डाल दिया। अल्लाह ताला को बहुत मुमकिन है आपकी एदा इतनी पसंद आ जाए कि आपकी मगफिरत का सामान बन जाए। मैंने एक हदीस आपके सामने सही बुखारी की और इस सिलसिले में बताया था इससे पहले के दुरुस्त में वो उसका तस्करा हो चुका है, ईमान के शाखों के ताल्लुक से हमारा जो दर्श हुआ था। बहरकैफ कभी जिन चीजों पर हमें ईमान लाना होता है उसके एतबार से भी ईमान में कमी बेशी होती है। अच्छा, जिन आमाल से ईमान की कमी बेशी का ताल्लुक है, आमाल की वजह से भी ईमान में कमी और ज्यादती होती है, नुकसान और ज्यादती होती है, तो वो दो तरह के आमाल हैं, अच्छी तरह याद रख। बदनी आमाल से भी, बदनी आमाल में नेकियां भी हैं बुराइयां भी हैं, और माली आमाल, आपने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, माल दे दिया, ये माली अमल है। अल्लाह के रास्ते में सदका किया, खैरात दिया, ज़कात दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, और आपने अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, नमाज पढ़ी, सजदा किया, रुकू किया, क़याम किया, ये बदनी अमल है। तो
तो जिन आमाल से ईमान की कमी बेशी होती है वो दो तरह के हैं, बदनी आमाल से भी और माली आमाल से भी। बरकत हमारी इस गुफ्तगू का खुलासा यह है कि ईमान में आमाल के लिहाज से भी ज्यादती होती है, कमी बेशी होती है। आमाल अगर नेक हैं तो ईमान ज्यादा होता है, आमाल अगर बुरे हैं तो ईमान में कमी होती है। और कभी ये कमी बेशी ईमान में यकीन की बुनियाद पे होती है, तस्दीक की बुनियाद पे होती है। कभी आदमी का यह हाल होता है कि आदमी अपना जान, अपनी जान माल और हर चीज अल्लाह के रास्ते में, ईमान जब उसका हाई लेवल पे होता है तो हर चीज लुटा देने के लिए तैयार हो जाता है। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने देखा कि हज़रत अबू बकर ने घर झाड़ कर सारा पूरा माल लाके अल्लाह के रसूल के कदमों में डाल दिया। हज़रत उमर ने आधी जायदाद लाके डाल दी। हज़रत उस्मान, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ और बहुत सारे सहाबा इकराम ने अपने अपने हिसाब के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में माल की कुर्बानी दी। और कभी आदमी का ईमान जब कमजोर होता है, गुनाहों में मुलव्वस होता है, तो आदमी इस्लाम कबूल करने के वक्त जो मुसलमान यानी बनने के वक्त जो ईमान उसका था वो उस कैफियत तक उसकी हालत पहुंच जाती है जो ईमानी सरमाया इस्लाम में दाखिल होने के वक्त उसको हासिल हुआ था, वो भी खतरे में पड़ जाता। तो इसलिए मेरे भाई याद रखो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की किताब अल ईमान में जो बाब काम किया है, बाब ज़ियादतिल ईमान व नुकसानी, ईमान की कमी बेशी का बयान। इस बाब को कायम करके इमाम बुखारी ने कुरान मजीद की 3 आयतें और 2 हदीसें जिक्र की हैं। इस बाब का मतलब क्या है, तो इसका बाब का क्या वजाहत है इसने कि ईमान की कमी बेशी कई एतबार से होती है। एक कमी बेशी यकीन और तस्दीक, दिल में जो आपका यकीनी कैफियात मौजूद हैं। दूसरी अमल से मुताल्लिक है। तीसरी जिस चीज पर हमें ईमान लाना होता है उस एतबार से भी। सारे लोगों का अल्लाह की जात पर ईमान एक जैसा नहीं होता, सारे लोगों का ईमान अल्लाह के फरिश्तों के बारे में एक जैसा नहीं होता। शर्त के तौर पर एक शख्स अल्लाह ताला के बारे में कुरान मजीद को बेहतरीन आलिम दीन है, कुरान मजीद की तफसीर को समझता है, हदीसों को समझता है और सारी हदीसों को पढ़ता है, और उस आदमी का जो ईमान है, एक आम इंसान जिसको न कुरान हदीस का इल्म नहीं है, तो वो यकीनी कैफियत जो इल्म दीन रखने वाले के दिल में पैदा हो सकती है, एक आम इंसान के दिल में वो यकीनी कैफियत पैदा नहीं हो सकती। तो एक इंसान को हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के बारे में अगर पूछा जाए, आप आम आदमी क्या बोलेगा, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाजिबी सी मालूमात देकर रखता होगा तो कहेगा नबियों के पास वही का पैगाम लेके आते थे। लेकिन जो आलिम दीन होगा वो कहेगा 20 के वज़ाइफ थे, एक नहीं दो नहीं, उलमाए किराम ने 30 के करीब उनके वज़ाइफ और अमल बताए। आपको याद होगा आज से 1 पहले की बात है, जब हम हदीस जिब्रील पढ़ रहे थे इसी दीनी दरसगाह में, तो उस वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि अगर जिंदगी ने वफा की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आमाल वज़ाइफ के ताल्लुक से एक दर्स तैयार है, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सफर से वापसी के बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हालात सारे दरसगाहें बंद हो गई, तो वो दस अल्लाह ताला ने अभी तक उस का वक्त नहीं लाया। अल्लाह ताला की तौफीक अगर हुई और वक्त मिला तो रिकॉर्डिंग के जरिए से आप लोगों के सामने उस दर्स को लाने की कोशिश करते हैं। मेरे कहे साथियों, ये 3 जरिए वसीले हैं जिससे ईमान बढ़ता है, अमल के जरिए से, यकीन और तस्दीक की कैफियत के जरिए से, और मुमन भी जिस चीज पर हमें ईमान लाना होता है उस चीज के मुताबिक हमारे मालूमात जब होंगी, इल्म का हमारा ज्यादा होगा तो उस इल्म की रोशनी में हमारा ईमान भी बढ़ेगा।
सूरह कहफ की आयत नंबर 13 इमाम बुखारी ने कोट की है, इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। तो वो असहाबे कहफ से मुतालिक ये आयत है, सूरह कहफ की आयत नंबर 13 असहाबे कहफ से मुतालिक। अगरचे इसमें ईमान के ज्यादा होने की सराहत नहीं है, लेकिन हिदायत मुफस्सिरीन ने यहाँ हिदायत का जो माना बयान किया है, या बुखारी शरीफ के जिन उलमा ने शरह की है, शुर्राह अल सही बुखारी ने यहाँ हिदायत का जो माना बयान किया है वो नूर ईमान। इस आयत में इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, तो यहाँ हिदायत ईमान के माने में। तो हिदायत अपने इस्तेलाही माने में, हिदायत के इस्तेलाही माने का किसी की रहनुमाई करना, रहबरी करना, रास्ता दिखाना। तो बरकैफ हिदायत अपने ऐसी हिदायत जो मंजिल मकसूद तक इंसान को पहुंचा देती है, वो ईमान की हिदायत ही हो सकती है। अल्लाह तक पहुंचाने वाली, अल्लाह की जन्नत तक तो पहुंचाने वाली हिदायत, वो ईमान वाली हिदायत अगर मिलती है, आदमी को ईमान नसीब होता है, इस्लाम की दौलत से कोई मालामाल होता है, तो वो अल्लाह की जन्नतों को पाने के काम कर सकता है, अल्लाह राजी होकर उसे जन्नत दे सकता है। तो हिदायत ईमान के माने में है, ये सही बुखारी की एक शरह है, उम्दतुल क़ारी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 381 में ये बात बताई है। पैराग्राफ इन आयतों की शरह हम आगे बयान करेंगे, पहले हदीस पढ़ते हैं। मैंने बताया कि दो हदीस इमाम बुखारी इस बाब में लाए हैं। पहले हदीस हजरत अनस से है, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ابو عبد الله جبي सही बुखारी में कल अबू अब्दुल्ला आप सुने तो यकीन रखें कि अबू अब्दुल्ला से मुराद इमाम बुखारी की कुनियत है अबू अब्दुल्ला। और इमाम बुखारी जब कल अब्दुल्ला कहें तो वहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुराद होते हैं सहाबा में। तो कल अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी अपने आप को कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला कह रहे हैं قال ابان حدثنا قتاده قتاده حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان من خير। इस हदीस में يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير من خير من خير के अल्फाज हैं। तो खैर से के बजाय एक दूसरी रिवायत दूसरी सनद के साथ इमाम बुखारी ने आखिर में लाकर यह साबित किया कि खैर से मुराद ईमान है। अब दूसरी रिवायत में ईमान भी आया। तो जिसके पास इस हदीस का तर्जमा सुने, हजरत अनस से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके दिन में एक जौ के बराबर, जहों की एक किस्म है जौ, तो एक जौ के बराबर नेकी जिसके दिल में भी है उसको अल्लाह ताला दोज़ख से निकालेंगे, वो दोज़ख से निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं का दाना जौ के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो भी दोज़ख से जरूर निकलेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके दिल में जर्रा बराबर भी नेकी है तो वो भी दोज़ख से जरूर निकलेगा। दूसरी हदीस है हजरत उमर बिन खत्ताब उसके रावी हैं, अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन मिन अल्यहूद क़ाल लहु या अमीर अल्मुमिनीन आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा लो अन्न अलैना माशर अल्यहूद नज़लत लत्तख़दना ज़ालिकल यौम ईदन क़ाल अय्यु आयतिन قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة أخرجه البخاري باب زيادة الإيمان والنقصان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم لوگ پڑھتے رہتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تورات میں تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے تو یہودی نے بولا یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا حضرت عمر نے کہا ہم اس دن اور اس مقام کو اچھی طرح جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے یعنی آپ نے وہاں عرفات میں وقوف کیا تھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان دونوں حدیثوں کے علمی فوائد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بعد میں تاخیر سے بیان کروں گا پہلے قرآنی دلائل کی شرح کرتے ہیں اور قرآنی دلائل کی شرح کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں میں نے اس سے پہلے کئی دروس میں آپ سے کہا تھا کہ ایمان کے باب میں چند اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ایک درس میں آپ کے سامنے شرعی ایمان کی تعریف کی گئی تھی اور محدثین کے پاس ایمان کی کیا تعریف ہے علماء کے پاس جو دیگر علماء نے ایمان کی کیا شرعی تعریف کی ہے اور اس وقت بتایا تھا کہ ایمان کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور بھی بہت ساری تقسیمات کا ذکر میں نے کیا تھا ایک شرعی ایمان ایک قانونی ایمان اور آج کے درس کو سمجھنے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذاہب اربعہ میں بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان سے ایمان کے متعلق جو اقوال منقول ہیں اس چار پانچ اقوال ہیں لیکن سب ہم مانا ہے تقریباً عبارتیں مختلف ہیں لیکن معنی اور مفہوم ان کا ایک ہی ہے ان کا ایک قول یہ ہے کہ عمل ایمان سے جدا ہے اور ایمان عمل سے جدا بات ایک ہی ہوئی دوسرا قول یہ ہے میں کی طرف منسوب ہے کہ مومنین ایمان اور توحید میں برابر ہیں اور اہم اعمال میں بھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے اور تیسری چیز ایمان کی تعریف کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک ہی حالت میں باقی رہتا ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں پھر ایک اور قول چوتھا ان کا یہ ہے میں منقول ہے ان سے میرا ایمان جبریل کے ایمان کے مانند ہے یعنی ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی جیسے فرشتوں کا ایمان ایک ہی لیول پہ رہتا ہے کیونکہ وہ صرف نیکی کے کام ہی کرتے ہیں آسمان ایک پانچواں قول ان سے یہ منقول ہے آسمانوں اور زمین والوں کا ایمان اور اگلے پچھلوں کا اور انبیاء کا ایمان یکساں اور برابر ہے کہنے آئے چاہتے ہیں اور یہ سارے اقوال دارالسلام کی جو صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح چھپی ہے دارالسلام کی جانب سے اس کی پہلی جلد میں امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے کتاب الایمان کی شرح سے پہلے مقدمے میں یہ پانچوں اقوال ذکر کیے ہیں اس میں انہوں نے جو حوالہ دیا ہے جس کتاب کا وہ شرح الفقہ الاکبر یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے حقیقت کیا ہے اللہ اعلم
उसमें भी ईज़ाहुल अदिल्ला एक किताब का हवाला है, उससे नकल किया गया, ये सारे अपन नकल किए गए हैं। तो बहर कैफ मैं आपको ये अकवाल इसलिए बता रहा हूँ कि इन अकवाल से जो बात हमारे जहन में आती है वो कानूनी ईमान की बात कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कानूनी ईमान जो इस दुनिया में हमारे एक दूसरे को मुसलमान समझे जाने का सबब या जरिया बनता है वो कानूनी ईमान है। इस कानूनी ईमान में अमल सरे से जेर बहस आता ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कलिमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया, जैसे ही कलिमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया तो उसको मुसलमानों के सारे हकूक में वो बराबर बराबर जैसे मुसलमानों के हकूक हैं। अगर वो सलाम करता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, अगर वो बीमार होता है तो हम उसकी इयादत करना चाहिए, और इसी तरीके से अगर उसकी वफात होती है तो उसके गुस्ल देने तकफीन तदफीन में शिरकत करना चाहिए। इस तरह से मुसलमान के जो हकूक हैं सारे हकूक उसको हासिल हो जाते हैं इस्लाम लाने लाते ही, क्योंकि वो कुफर की सरहद से इस्लाम की सरहद में जैसे आ गया उसको कानूनी ईमान हासिल हो गया। ये जो कानूनी ईमान है इसको तस्दीक का आप नाम दे सकते हैं, ये घटता बढ़ता नहीं। अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल इस ईमान के मुतालिक है तो ईमान जो कानूनी ईमान है वो तो करार का नाम है, उसका दारोमदार जुबान पर जुबान के इकरार से मुतालिक है। आदमी जब ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसको कानूनी ईमान हासिल हो जाता है। तस्दीक कभी इसमें जेर बहस नहीं आ सकती, क्यों कि हमारे और आपके पास कोई ऐसा आला नहीं है कि उसके दिल में उतार कर देख लें कि हकीकी ईमान उसके पास मौजूद है या नहीं है, सच में किसने कलमा पढ़ा है या झूठ मूठ कलमा पढ़ा है, इसको जानने के लिए हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। इसका इल्म किसको होगा? अल्लाह ताला को। तो ये कानूनी ईमान, कानूनी ईमान किसी शख्स को इस मुस्लिम माशरे का फर्द बनने का जरिया बनता है और किसी इस्लामी रियासत में उस रियासत का शहरी बनने की बुनियाद बनता है। ये ईमान न घटता है न बढ़ता है, बिल्कुल बात सही। जबकि एक और ईमान है जिसको शरी ईमान हम कहते हैं, जिसका ताल्लुक दिल की तस्दीक से और आज़ा और जवारे के अमल से है, वो इस कानूनी ईमान में जेर बहस नहीं आता। और कानूनी ईमान का ताल्लुक हमारी इस दुनिया से है, सिर्फ दुनिया के अंदर जितने हकूक का ताल्लुक है सारे मुसलमान बराबर हैं हकूक में, कि कोई पुराना मुसलमान है कोई नया मुसलमान है तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इसको इस्लामी रियासत के जो शहरी हकूक हैं कि अभी नया नया है इसको कम हकूक दिए जाएंगे, जो पुराने मुसलमान हैं आबा अजदाद से मुसलमान हैं उनको ज्यादा दिए जाएंगे। नहीं, तालीम अगर सबके लिए फ्री है तो इसके लिए भी फ्री है, सेहत अगर इलाज सबके लिए फ्री है तो इस्लामी रियासत में इसके लिए भी फ्री है। जैसे ही उसने कलमा पढ़ लिया तो अगर कलमा पढ़ने वाला साहिब निसाब है तो जैसे पुराने मुसलमानों पर साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना पड़ता है तो इसको भी देना पड़ेगा। तो बल्कि जो शरी ईमान है उसका ताल्लुक आखिरत से है। अल्लाह किसी का कानूनी ईमान मुसलमान होने ना होने के अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, दुनिया में मामला और दुनिया की हद तक ही है। लेकिन जो शरी ईमान है उसका ताल्लुक हमारे ईमान के कल्ब से है, और हकीकी मामला ये है कि वो घटता भी है और बढ़ता भी, और अमल उस ईमान की तारीफ का एक असासी और बुनियादी रुकन है, जुज़वी या सानवी हैसियत नहीं है उसकी, असासी और बुनियादी हैसियत है अमल की। अमल की बुनियाद ही पर और इमाम बुखारी ने ये जो कहा किताबुल ईमान के आगाज में, अल ईमान कौलुन व अमल यज़ीदु व यनकुस, ईमान कौल अमल के मजमू का नाम है, जुबानी इकरार भी उसमें दाखिल है, कल्बी तस्दीक भी उसमें दाखिल है, अमली सुबूत भी उसमें दाखिल है। तो इस ईमान की तारीफ जो इमाम बुखारी ने की इसमें ईमान बढ़ता भी और घटता भी है।
میرے کیف صحیح بخاری کی شرح جو دارالسلام سے چھپی ہے جس کو فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار الحمد حفظہ اللہ نے کی عدد جلدوں میں اس میں وہ اسی بات کو کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جن لوگوں کو امام بخاری کے مبنی پر حقیقت موقف سے اتفاق نہیں ہے یعنی جو شرعی امام کے گھٹنے اور بڑھنے کے قائل نہیں ہیں ان کی خوبصورت توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ان کے نزدیک ایمان سے مراد قانونی ایمان ہے جس پر ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان شہری کے حقوق قائم ہوتے ہیں اس اعتبار سے تمام ماننے والے جو ضروریات زندگی کے قائل ہیں چاہے وہ بدوی ہوں یا شہری شہریوں کے حقوق الگ بدویوں کے حقوق الگ دیہاتیوں کو یہ حقوق نہیں دیے جائیں گے شہریوں کو یہ حقوق دیے جائیں گے ایسا نہیں قانون کے ماننے کے اعتبار سے کتنے ہی درجات اور مقامات میں مراتب میں فرق ہو سب کو اس مسلمان ہونے کے حیثیت سے سارے حقوق ان کو ملیں گے اور اگر کسی مسلم ریاست میں مسلمان ملک اس عالم اسلام کے کسی اسلامی ملک میں جہاں اسلام کا قانون نافذ ہے نہ ماننے والے کفار ایک ہی رتبے میں رہیں گے سب کے درمیان چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ حربی ہوں چاہے وہ مستعمر ہوں یا کسی اگریمنٹ پہ اس ملک میں کام کرنے کے لیے آئے ہوں یا تجارت کے لیے آئے ہوں ان میں کفر کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی فرق رہا ہو لیکن وہ ایک ہی مرتبے میں رہیں کافر ہیں تو کافروں کے جو حقوق اسلام میں مقرر ہیں ان کو دیے جائیں تو برکہ آخرت کے مدارج اور مقامات جس ایمان پر جس حقیقی ایمان پر یا شرعی ایمان پر مبنی ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی بہرحال اس میں گنجائش موجود ہے لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو رہے گا کمی بیشی کتنا میرا ایمان بڑا آپ اپنے دل کا حال بہتر جانتے ہیں کس قدر آپ کے جس قدر نیکی کا جذبہ آپ کے دل میں ہوگا اسی قدر آپ کا ایمان اس جذبے کے تحت آپ جتنے نیک اعمال کرتے جائیں گے تو آپ کا ایمان بڑھتے جائے گا لیکن ہم اور آپ اس ایمان کو ناپ نہیں سکتے کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس نہیں ہے بہرحال امام بخاری نے کتاب الایمان کے آغاز میں یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ الایمان قول وعمل یزید و ینقص ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے امام بخاری اور چاہتے ہیں کہ ایمان بسیط نہیں ہے کوئی ایسی اکائی نہیں ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی بلکہ تقسیم ہوتی ہے وہ مرکب ہے ذی اجزاء ہے تین چیزوں سے مل کر بنا ہے اقرار لسانی کلمہ پڑھتا ہے تو آدمی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول اس کو مانتے ہیں مانتا ہوں میں اور اس کے علاوہ جب کلمہ پڑھتا ہے آدمی تو دل کے اندر وہ یقینی کیفیت ہے تو وہ ایمان اس کو فائدہ دے گا زبان سے صرف جھوٹ موٹ اقرار کر کے کچھ دنیاوی مفاد کے خاطر مسلمانوں کی طرح حقوق پانے کے لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس طرح کا کوئی کام تو آخرت میں اسے کوئی اس کا فائدہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہرحال امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایمان کی کمی بیشی کے اس اہم اور معرکۃ الاعلیٰ مسئلے کے متعلق تین مقامات میں صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں بحث کیا ہے کتاب الایمان کے آغاز میں اس مسئلے پر استطرادن سے تذکرہ کیا ہے سلف صالحین کی خوب موقف کی خوب وضاحت کی ہے اور اسی طریقے سے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 8 قرآنی آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے بہت سی احادیث دلیل کے طور پر دلائل کے طور پر جمع کیے ہیں کتاب الایمان میں اور کتاب الایمان کے علاوہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے صحیح بخاری کی اس میں بھی ایمانیہ سے متعلق بہت مواد موجود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے باب زیادۃ الایمان و نقصان اس میں تین قرآنی آیتیں سورہ کہف سورہ مدثر اور تین آیتوں کا تذکرہ کیا ہے اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں اس کے علاوہ ایک اور باب امام بخاری کتاب الایمان میں قائم کرتے ہیں
باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال, اعمال میں تفاضل کی وجہ سے ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسب عادت کوئی قرآن آیت نہیں پیش کی, لیکن دلیل کے طور پر دو حدیثیں پیش کی ہیں جس میں اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے, اس کو ثابت کیا ہے. یہ جو عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, تمام اسلاف امت صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو عقیدہ سکھایا, صحابہ کرام نے تابعین کو جو عقیدہ منتقل کیا, تمام اسلاف امت کا موقف اور مسلک یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے ان کا ایک قول امام بخاری کا نقل فرمایا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عالم اسلام کے مختلف شہروں کے 1000 سے زیادہ علماء اور محدثین سے ملاقاتیں کی اور وہ سب اس بات کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور ایمان قول عمل کا نام ہے. امام بخاری کے جو اساتذہ تھے, مشائخ تھے, محدثین, یقیناً امام بخاری سے بہت اونچے درجے کے محدثین تھے اور انہیں ایک دو نہیں 1000 سے زیادہ علماء اور محدثین سے امام بخاری نے کہا کہ میں انہی سے حدیثیں صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری کے علاوہ دیگر امام بخاری کے حدیث کی کتابوں میں انہی سے میں نے حدیثیں لی ہیں اور قبول کی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, زیادتی اور نقصان کو ایمان قبول کرتا ہے, ایمان قول عمل کا نام ہے, جو یہ کہتے تھے. تمام صحابہ, تمام تابعین, ائمہ دین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. البتہ ایمان عقیدے کے بعد میں کچھ گمراہ فرقے جیسے برجیہ ہیں, برجیہ کے 10 فرقے تھے, ان میں بھی بڑا اختلاف ہے اور جب بہت اختلاف بڑا تو ان کے 2 فرقے بن گئے. 2 فرقے, ایک اہل بدعت کا فرقہ مرجیا میں, اہل بدعت کا فرقہ ہے جو انتہائی گمراہ کن افکار ایمان کے باب میں پیش کرتا رہا, اور ایک اہل سنت کا فرقہ جو صرف ایمان کے نہ گھٹنے اور بڑھنے کے تعلق سے ان کے افکار ہیں, لیکن وہ قانون ایمان کے بارے میں ان کی بات صحیح ہے لیکن شرعی ایمان کے بارے میں ان کی بات صحیح نہیں ہے. تو معتزلہ ہیں, جہمیہ ہیں, کرامیہ ہیں, اشاعرہ ہیں, خوارج ہیں, روافض ہیں. امام بخاری کو ان تمام کو امام بخاری سے اختلاف تھا. امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان کے جو عناوین قائم کیے ہیں وہ انہیں بدعتی فرقوں کو ایمان اور عقیدے کے بعد میں یہ بدعتی فرقے ہیں, تو ان کی تردید کرنا, ان کا رد کرنا مقصود ہے. امام بخاری کے علاوہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, اور شاگرد بھی کوئی معمولی شاگرد نہیں, بہت بڑے اونچے درجے کے شاگرد ہیں, صحیح بخاری کے بعد ان کا ہی درجہ ہے. تمام دنیا کے علماء آج تک بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر, اس آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین احادیث کا اگر مجموعہ کوئی ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں ایک عنوان کتاب الایمان میں قائم کیا ہے, بیان کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص وان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبات. اس بات کا بیان کہ نہی عن المنکر ایمان کا حصہ ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ عمل ہے اور عمل ایمان کے اندر داخل ہے اور ایمان کی تعریف کا اہم رکن ہے. والایمان وان الایمان یزید وینقص, ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. پھر اس باب کے تحت ایمان میں کمی بیشی سے متعلق امام مسلم نے بھی بہت ساری دلائل پیش کی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, الانتقاء فی فضائل ثلاثۃ الائمۃ الفقہاء, اس کتاب میں امام مالک کا ایک قول, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حلیۃ الاولیاء اصفہانی کی کتاب ہے
उसमें कहते हैं कि ईमान कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, इसमें जो ज्यादती होती है, इजाफा होता है, तरक्की होती है, तो इताअत के कामों के जरिए से, नाफरमानी के कामों के जरिए से ईमान में कमी आती है, नुकसान होता है। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ताबीन और आइम्मा सलफ में से तकरीबन 90 हजरात का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात देकर इस दुनिया से, उम्मत को जो तालीमात देकर इस दुनिया से रुखसत हुए, इमाम अहमद क्या कहते हैं, ताबीन और आइम्मा सलफ में से बड़े बड़े 90 हजरात का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात उम्मत को देकर इस दुनिया से रुखसत हुए, उनमें से एक तालीम यह थी, इताअत और फरमाबरदारी के जरिए ईमान में इजाफा होता है और मासियत और नाफरमानी के जरिए से ईमान में कमी होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल तबकातुल हनाबिला इब्ने रजब अल-हंबली की किताब है, पहली जिल्द सफा नंबर 130 पर मौजूद। इसी तरीके से इमाम आजूरी की किताब है अश-शरिया, किताब अश-शरिया, और इब्ने बत्ता रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अलिबाना, इमाम ज़हबी की किताब है सीरत आलाम नुबला। इन तमाम किताबों में इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या ईमान कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, तो उन्होंने पूछने वालों से कहा कि तुम लोग कुरान में बहुत से मकाम पर यह नहीं पढ़ते, फज़ादा हम ईमाना उसी दिन हम हो जा, तो लोग समझ गए कि बिल्कुल पढ़ते हैं, तो यहाँ ईमान की ज्यादती जिक्र है, तो ईमान ज्यादा भी होता है, जो जो चीज ज्यादा होती है वो कम भी हो सकती है। फिर आपसे कहा गया इस ईमान में और नूर हिदायत में कमी पेशी और इजाफे की बात उनसे की गई, तो उन्होंने कहा जो चीज ज्यादती को कबूल करती है उसमें नुकसान को कबूल करने की इस्तेदाद और सलाहियत मौजूद होती है, जो चीज घट सकती है वो बढ़ भी सकती है, जो चीज बढ़ सकती है वो घट भी सकती है। तो बहरकैफ ये मैंने चंद उलमाए सलफ के अकवाल ईमान की कमी बेशी के ताल्लुक से आपके सामने रखे, वरना अकवाल की फहरिस्त बहुत तवील है। इस बात से मुतालिक मैंने तकरीबन 200 सफ़े की हादिस की शरह मैंने बहस लिखी है, अल्लाह ताला मुझे इसका हक अदा करने की आपके सामने तौफीक अता फरमाए। बहरकैफ साथियों, ये किताब जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल रज्जाक बिन अब्दुल महसिन हमदुल अब्बा अल बदर, ये मदीना मनवरा के बहुत बड़े आलिम के फर्जंद और वो खुद भी बहुत बड़े आलिम डॉक्टर हैं, तो उस किताब का नाम है ज्यादतुल ईमानी व नुकसान व हुक्मुल इस्तिस्नाए फी, ईमान में कमी पेशी के मुमकिन होने के मुतालिक इस किताब में उन्होंने कुरान करीम से 12 किस्म के दलाइल पेश किए, 12 दलाइल नहीं, 12 किस्म के, एक एक किस्म में कुरान मजीद की कई कई आयतें उन्होंने पेश की। ईमानिया से मुतालिक बहुत सी किताबें, एक किताब यह है अतरुल ईमान फी तहसीन अल उम्मत जिद्द अल अफकार अल हद्दामा, ये भी बहुत बड़े उदोहैत किबार उलमा में शुमार होते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल जरगो, उम्मत को बातिल नजरिया से, उम्मत के ईमान को कैसे बचाया जाए, कैसे महफूज किया जाए, उस ताल्लुक से किताब है। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद अली अल अब्दुल लतीफ की किताब है नवाकिदुल ईमान अल कौलिया वल अमलिया, बड़ी जखीम किताब। और इसी तरीके से एक और किताब है अल ईमान इंद सलफ व अलाकतु बिल अमल व कशफ शुबहात अल मुआसिरीन, दो जिल्दों में है, तो ये मोहम्मद महमूद अल खदर इस किताब के मुअल्लिफ हैं। इसके अलावा बेशुमार किताबें ईमान के ताल्लुक से ईमान के ताल्लुक से मौजूद हैं,
और अकीदे के जो अहम तरीन मसाइल हैं उन सब में इस खास से टॉपिक पे इस मौजू से मुतालिक काफी मवाद है। तो फरीदत शेख डॉक्टर अब्दुल रज़ाक बिन अल-बदर ने 12 किस्म के दलायल कुरान मजीद के आयतों से उन्होंने दिए हैं और अहादीस में से 20 हदीसों का हवाला दिया है। फिर इसके अलावा मैंने इमाम बुखारी की किताब ईमान से और उनकी इस किताब से तकरीबन 38 अहादीस जो ईमान की ज्यादती और नुकसान पर दलालत करती हैं, ईमान में इजाफे पर दलालत करती हैं, ईमान में इन्हिताब भी होता है, तरक्की भी होती है, ईमान में ज्यादती भी होती है तो कमी भी वाकई होती है, ईमान घटता भी है तो बढ़ता भी है, तकरीबन 38 हदीसें और उनकी शरह और 10वीं आयतें बल्कि 20वीं आयतें आपको इस दर्स में सुनने को मिलेंगे। ईमान में कमी पेशी के दलाइल की जो पहली किस्म है, ऐसे 6 आयतें उन्होंने अपनी इस किताब में किताब ज़ियादतुल ईमान व नुकसानी व इस्तिस्ना फी इस किताब में ऐसी आयत करीमात का इंतखाब किया है जिसमें ईमान की कमी पेशी और ज़ियादती और इज़ाफे की सराहत पाई जाती है। सराहत के साथ बिल्कुल वो अल्फाज मौजूद हैं कुरान में जिन्हें आप नोट करेंगे। तो 6 मकाम ऐसे हैं। पहला मकाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173। بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين। इस आयत का तर्जमा यह है, वो लोग जब उनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए बहुत बड़े लश्कर लोगों को जमा करके तुम पर एक बार के हमला करना चाहते हैं, तुम उनसे खौफ खाओ, खौफजदा हो जाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया। जब उनके सामने ये बात आए कि मक्के में अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जंगे उहद के बाद जाते जाते उन्होंने कहा, एक चैलेंज किया था कि अगले साल फिर हमारा तुम्हारा मुकाबला, अब तो यहाँ उहद के मैदान में हुआ है, बदर के मैदान में तुमने हमारे 70 आदमियों को कत्ल किया था ना, वहां भी हो जाए। फिर जब अगला साल आया तो अल्लाह की मार मक्के वालों के मक्के के मुशरिकीन पे ऐसी पड़ी कि ठहर पड़ गया मक्के में। फिर उसके बाद अबू सुफियान उस वक्त इतनी जमीयत और इतना बड़ा लश्कर जिसका ढिंढोरा पीट रहे थे, वो सिर्फ एक नफ्सियाती जंग थी, हकीकत में जंग लड़ना नहीं चाहते थे। मुसलमान घबरा के खुद बदर के मैदान में जमा ना हो, हम भी अपनी पोजीशन में रहेंगे और लोगों में भी अपना एक भरम कायम रहे। तो एक शख्स नाइम बिन मसूद नाम का था कि वो शख्स वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, गज़वे खंदक के मौके पर मुसलमान हुए और उन्होंने मुसलमानों की अपने इस्लाम को छुपाते हुए बहुत अच्छी तरह से मदद की उस मौके पर। बल्कि उस मौके पर उनको अबू सुफियान ने कुछ माल देकर मदीना भेजा, जाओ खूब अफवाहें फैलाओ, अब पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए, अबू सुफियान ने पूरे अरब को तुम्हारे खिलाफ एक महाज की शक्ल में खड़ा कर दिया, अब की बात जब तुम उनके मुकाबले के लिए जाओगे तो कोई जिंदा बच के नहीं आएगा। ये खबर जब पहुंची तो होना तो जाहिर होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान हरासा खौफजदा होकर बैठ जाते, परेशान हो जाते, मरोब हो जाते,
एक नफ्सियाती जंग थी। मुसलमानों ने कहा फक्शों, जब उनसे लोग ने आके खबरें फैलाई, खबरें फैलाने वाले अंदरूनी मदीने के कुछ मुनाफिकीन भी थे और मक्के का मुशरिकीन नईम बिन मसूद भी, जब आके ये सब पैसा और लालच पैसा लेकर आए और खबरें फैलाना शुरू किया, उसके नतीजे में क्या हुआ? फज़ादहुम ईमाना, जोश जहाद मुसलमानों का। अब फिर दोबारा बदर बदर में आना चाहते हैं मक्के के मुशरिकीन, आने दें, हम तो अपनी जानों का नजराना अल्लाह के सामने पेश करना चाहते हैं, शौक शहादत में हम जी रहे हैं, हमने अपने जान और माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की सोच ही लिया है, जब वो तैयार है फिर आ जाए, हो जाए फिर मुकाबला। वकालू हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह की मदद फिर बदर में बदर उला की तरह हमारे मदद होगी और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद से फतेहयाब हो जाएंगे। इस मरतबा बदर में तो 313 थे और जंग की नियत से नहीं निकले थे, बदर उला में जो अजीम मारका पेश आया था, एक तिजारती काफिले को पकड़ के मुसलमानों के बहुत सारे अमवाल जो जाहिर हुए थे उसको हासिल करना मकसद था। जब इस मरतबा निकले थे तो जंग की नियत से निकले थे, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 सहाबा को लेकर निकले थे अबू सुफियान के चैलेंज को कबूल करने के लिए। अबू सुफियान ग़ज़वे उहद पे जब आया था तो कितने उसके पास फौज थी, 3000 की फौज थी, अब की मरतबा वो 2000 भी बड़ी मुश्किल से जमा नहीं कर पाया था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उसकी वो अल्लाह ताला ने उसके दिल में ऐसा रोग डाल दिया, कहा कि एक तो बहुत पैसा भी है हमारे पास, खाने पीने का रसद का सामान भी बिल्कुल कम है और थोड़ा सा सत्तू वगैरह लेके आए थे, कुछ खजूरें पानी वाली लेके आए थे, और जब मरोग होके वापस होने लगे तो जो उनके पास सत्तू था वो गिरता चला गया। उस गजबे का नाम ही गजबत सोए करता है। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने मुशरिकों ने आग में डाला था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाहु निअमल वकील कहा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी जब नफ्सियाती जंग के तौर पर मुशरिकों ने मुनाफिकों ने ये अफवाहें फैलाई कि फिर से एक बड़ा मारका, अबू सुफियान ने एक बड़ा लश्कर जमा किया है, तो उस वक्त भी मुसलमान घबराए नहीं बल्कि उनके ईमान में इजाफा हुआ। यहाँ ये आयत सराहत के साथ दलालत कर रही है, फज़ादहुम ईमाना, होना तो क्या चाहिए था, बोले नफ्सियती तौर पर उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उनकी हिम्मतें टूट जाती इस अफवाह के नतीजे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रिवायत ये भी है कि ये जो गलत अफवाह फैलाई गई थी नईम बिन मसूद ने नहीं फैलाई थी बल्कि शैतान के चेलों चाटों ने के जरिए से फैली थी। शैतान इंसान शक्ल में आके मुनाफिकों के पास इस तरह की खबरें फैलाया और मुनाफिकों ने पूरे मदीने में इस तरह की खबर फैला दी। बहरहाल बात कोई भी हो चाहे वो, और एक रिवायत में ये भी है कि ये जो आयतें नाजिल हुई हैं ग़ज़वे उहद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद से अभी घर पहुंचे ही थे, आपको ख्याल हुआ कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन को ये ख्याल आए कि अब इस तो मुसलमान बड़ी जख्म खुर्दा हालत में, शिकस्त हो ही गई है, 70 आदमियों ने और उनके 70 आदमियों को हमने मार ही दिया, हमने बड़ी गलती की, छोड़ना नहीं चाहिए था, मदीने में घुस के उनको और तहस नहस करके रख के खत्म करके ही जाना था। हमरा और असर के मकाम पर जाकर अबू सुफियान को इस तरह के ख्याल आने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के जरिए बता दिया गया कि दुश्मन इस तरह से प्लान कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम के सामने आम मुनादी कर दी, जो लोग जिनके ग़ज़वे उहद में शरीक थे वो जख्म खुर्दा भी हैं तो हमारे साथ निकले, वही लोग निकले उसी हालत में निकले।
جب ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان پھر سے تازہ دم ہو کر نئی فوج ترتیب دے کر تم سے تم انتقام لینے کے لیے نکلے ہیں, تو پھر وہ روب کی کیفیت شروع میں غزوہ احد میں بھی شروع میں شکست کھا چکے تھے, وہاں سے ہمارا اسد کے مقام سے وہ نکل کے دم دبا کے بھاگ گئے. برحال بات کوئی بھی ہو, اس طرح کی افواج جب مسلمانوں کو پہنچی تو مسلمانوں نے خوف و ہراسا اور پس ہمت ہونے کے بجائے ان کے عزم ایمان میں بڑھانے کا یہ سب یہ چیز بن گئی, اور ان کا جوش جہاد شوق شہادت ٹھنڈے مارنے لگا, ان کا ایمان مزید در مزید بڑھتا چلا گیا. قرآن کی آیت صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے ان کے ایمان بڑھ گئے, تو ایمان بڑھتا ہے نیک کاموں سے, ایمان بڑھتا ہے, ایمان ایک ہی حالت میں نہیں رہتا. دس کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ایمان ایک ہی حالت میں برقرار رہتا ہے, گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یہ بات قرآن کی آیتوں کے خلاف, صحیح آیتوں کے خلاف ہے, منافی ہے. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, یزید و ینقص. اللہ نے زندگی اگر دی تو انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کو اگلے درس میں پھر ہم کنٹینیو کریں گے. آج یہیں پر اتفاق اسی پر اتفاق کرتے ہیں. صلی اللہ علی نبینا محمد و جزاکم اللہ خیرا.